नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे चैनल पे और उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। खैर, बिहार ग्रामीण विकास योजना के तहत एक अपडेट आई है और वो अपडेट है बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का जो शुरुआत है वो कर दिया गया है। इसके माध्यम से जिनके पास भी पहले से घर था और वो घर जर्जर हो गया है या किसी के पास घर नहीं है तो उसे बनाने के लिए 1,20,000 रुपये की राशि दी जाएगी। बता दें कि इसका जो आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और इसका जो आवेदन है वो आपको कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी और कौन कौन से लोग इस आवेदन को कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम आपको बताएँगे। तो बता दें कि 1996 के पहले जिनका भी घर बना है वो इंदिरा आवास के तहत बना है और अब जो घर बन रहा है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया जा रहा है। लेकिन जिन्होंने भी इंदिरा आवास के तहत इसका लाभ ले लिया है उनको ये लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इंदिरा आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना दोनों सेम हैं। लेकिन हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने एक अनाउंसमेंट किया है कि जिन्होंने भी 1996 के पहले इंदिरा आवास योजना के तहत इसका लाभ ले लिया है और उनका घर फिर से टूट गया है या जर्जर हो गया है तो उनको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो जिन्होंने भी 1996 के पहले इंदिरा आवास के तहत लाभ ले लिया है और उनका घर टूट गया है या जर्जर हो गया है वे भी अप्लाई कर सकते हैं, या जिनका घर अभी नहीं बना है वे भी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभ ले सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपके पास बीपीएल कार्ड होना ज़रूरी है और आपके पास पक्के का घर नहीं होना चाहिए। इसे आवेदन करने के लिए अभी तक कोई ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं शुरू की गई है। इसे आवेदन करने के लिए आपको ऑफलाइन ही करनी पड़ेगी, यानी कि आपके गांव में जो भी मुखिया हैं या ग्राम पंचायत के जो आवास सहायक होते हैं या फिर पंचायत सचिव होते हैं इनमें से किसी एक के साथ मिलकर आप मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, पैन कार्ड होनी चाहिए, बैंक अकाउंट होनी चाहिए और मनरेगा कार्ड होनी चाहिए। इसके अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट्स अगर लगेगा तो आपको देनी होगी। बता दें कि इसको लेकर अभी कोई ऑफिशियली नोटिस जारी नहीं की गई है, लेकिन अगर कोई नोटिस आती है इसके बारे में तो पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके एक और मैं वीडियो आपको तैयार करके आपको पूरी जानकारी शेयर करूँगा। खैर, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।